ऋग्वेद से निकला आयुर्वेद, और आयुर्वेद जो है आज हम भूल चुके हैं अपनी उस पुरानी पद्धति को। भारतीय की संस्कृति ही जो है वो आयुर्वेद पर टिकी है। हम तो इंसान हैं, अगर आप जानवर को भी देखें सभापति महोदय, कि अगर जो श्वान है, जो डॉग है, अगर उसको इनडाइजेशन हो जाता है तो वो घास खाता है। घास खाने के बाद जो है उसकी पाचन शक्ति, वो वॉमिटिंग करता है और उसके बाद उसकी पाचन शक्ति ठीक हो जाती है। तो हम भूल चुके हैं अपनी इस पुरानी पद्धति को। अगर आप देखें कि ये कहते हैं कि हिंदुस्तान के लोग जो है वो पीपल को पूजते हैं, तुलसी के पत्ता को पूजते हैं, तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। हम पीपल को पूजते हैं क्योंकि वो 24 घंटे जो है वो ऑक्सीजन देता है। हम तुलसी को पूजते हैं क्योंकि इससे ज्यादा एंटी वायरल और एंटी बैक्टीरियल कोई भी पौधा नहीं है, और उसको हम जो है वो ऑप्टिमम बोलते हैं। और इसी तरह से अगर आपके शरीर में कहीं दर्द है तो यूकेलिप्टस जो है, सफेदे का तेल, अगर उससे आप मसाज कर लें, मालिश कर लें, तो मुझे लगता है कि हर तरह के आपके जोड़ों के दर्द उससे दूर हो सकते हैं। तो आप देखिए, पुराने समय में अगर हम बात करें रामायण में भी, कि जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए तो हनुमान जी हिमालय पर जाकर संजीवनी बूटी लेकर आए, और तब उसके बाद उसकी वजह से जो है वो उनकी जान बची। तो मुझे लगता है कि अगर हम इसको अपने आयुर्वेद को और ज्यादा पूरे हिंदुस्तान के अंदर जगह जगह पर अगर हम इसके संस्थान खोलेंगे, तो क्योंकि अभी पिछले दिनों ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत जगह पर वेलनेस सेंटर खोले कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि हम बीमार ही ना पड़े। और 8 बजे आज वो कोरोना वायरस पर बोलने वाले हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर हम सबके सब गर्म पानी के गार्गल्स करें, तुलसी पत्ते का सेवन करें, और इसके साथ साथ ज्यादा से ज्यादा संतरा, कीनू, मौसमी, ये सब खाएं, विटामिन सी को अपने अंदर रखें, तो हम उस कोरोना वायरस को अपने अंदर पनपने से रोक सकते हैं। तो मैं बहुत ज्यादा इस बिल का समर्थन करती हूं और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं जिस तरह से हमारे मंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी ने जो है इसके अंदर काम किया है और इसको बजट दिया है। तो और भी ज्यादा बजट अगर इसको देंगे तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। पाल जी ने कहा।